ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के तत्वावधान में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, रेलवे में निजीकरण बंद किए जाने और आरक्षण नीतियों का पूरी तरह से पालन किए जाने के लिए एक दिवसीय धरने का आयोजन मंगलवार को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय पर सदर लोकसभा सांसद प्रवीण निषाद की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। विशाल धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि साध्वी सावित्री बाई फूले, सांसद लोकसभा बहराइच, जोनल महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे चंद्रशेखर, जोनल अध्यक्ष बेचूलाल, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिजा शंकर प्रसाद, एमएल अहिरीवार, महामंत्री नरमू के एल गुप्त सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने प्रयास किया है आनंद एससी कर सके कि हमारे जो करने लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो खिलाफ हम लोग आज, इसके लिए हम लोग आज आवाज उठाने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। तो करूंगा हमारे मंडल से आए हुए जो पदाधिकारी हैं प्रमुख, वो क्रमशः आए, हम कोई इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे कि रेल प्रशासन तकलीफ हो या कोई चीज बाधित हो। फिर भी हमें चाहेंगे कि हम अपने मुख्य एजेंडे से नहीं बढ़ते, हम जिस चीज के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उस पर जोरदार चर्चा करें और प्रयास करें कि हमारी बातें भारत के संसद तक पहुंचे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा मंडल मंत्री लखनऊ श्री राम प्रकाश जी से कि आए और आकर के अपनी बातों को भाइयों के बीच में रखें। उनका जमा किया हुआ पैसा उनके बच्चों को बीमार होने न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10,000 रुपए हैं, ग्रेड में तीन बार निकलेगा। आप पत्नी के इलाज कराना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लेना चाहते हैं, तो आपकी कभी मनसाई पूरी नहीं होगी। मैं चाहता हूं, मेरा अनुरोध है, मेरे डिवीजन के लोगों ने कहा, हमेशा सड़क से लेकर दिल्ली तक जंतर मंतर तक इसका विरोध करना चाहिए और मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूं कि हमें इसका हर किसी स्थिति में तन मन धन से विरोध करना है। एनईआर में सबसे बड़ा डिवीजन लखनऊ डिवीजन है, जिसमें 18,000 कर्मचारी है, 18,000 से ऊपर कर्मचारी है। आज भी 22% का रिजर्वेशन पूरा नहीं है, बैठे हुए हैं। जब ये पहली बार संसद में गए उसके मुंह के अंदर से हाथ डाल करके निकाल कर लेकर के आ जा रहा है और उनको देखने के लिए रेल प्रशासन एक बैठक कर रही है लखनऊ में, जिसमें उत्तर रेलवे के क्षेत्र में आने वाले सभी सांसदों को आमंत्रित, चाहे वो अनुकंपा के आधार पर हो, चाहे वो ग्रुप सी में आता हो, सारे लोगों को डरा करके धमका करके सफाई वाले में भर्ती किया जा रहा है। ये नहीं करते हैं एसटी एसोसिएशन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मित्रों, आज हम इस बात को भी बताना चाहते हैं, इस रेलवे पे इस तरह का अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हमारे बीच में प्रवीण निषाद जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई जैसे मित्र, माननीय डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र, आप सभी जानते हैं कि कितने क्रांतिकारी नेता के पुत्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं अपना स्वागत करते हुए मैं अपने जनरल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि फूल बुके देकर के उनका स्वागत करें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।